टॉपिक है इमोशनल ईएमएफ इन अ रॉड। तो ये टॉपिक ऑलरेडी हमने किया हुआ है जो बीएलवी, लेकिन आप एनसीईआरटी के अंदर अगर आए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, दो लाइन में काम है इसका। क्या आप इमेजिन करिए रेल्स हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल रेल्स हैं, इसके ऊपर ये जो एक रॉड है वो मूव कर सकती है फ्रिक्शनलेस। तो रॉड को मैं मूव करवा रहा हूँ, और रॉड कैसे मूव कर रही है, वो इस तरफ मूव करवा रहा हूँ, और इसकी जो लेंथ है वो सपोज कितनी है, वो एल है, एल लेंथ है। और जब रॉड अंदर की तरफ आ रही है तो किसी भी इंस्टेंट पर इसकी जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की वो एक्स है, वो एक्स है। तो रॉड कैसे आ रही है, रॉड को मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो मैं वी के साथ लेके आ रहा हूँ। अब ये बताओ कि इसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, बी इंटू एरिया। अब इस इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस एरिया कितना है, इंस्टेंटेनियस एरिया है एल इंटू एक्स, लेंथ इंटू एक्स, एल इंटू एक्स क्या है इसका एरिया, तो एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी फाई बाय डी टी, तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी टी ऑफ फाई, फाई का मतलब क्या है, बी इंटू एल इंटू एक्स, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना है ईएमएफ का, तो मैग्नीट्यूड में बी बाहर आ गया, एल बाहर आ गया, तो क्या बचा, डी एक्स बाय डी टी, लेकिन डी एक्स बाय डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, तो आंसर क्या जाएगा, बी एल बी। तो पहला स्टेप क्लियर है, अगर मैग्नेट डायरेक्शन नेगेटिव साइन डायरेक्शन शो करता है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ क्या होगी, बी एल बी। तो अगर पेपर में आ जाए आप सिंपल तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर है, तो मोशनल ईएमएफ किसी भी रॉड में बी एल बी कैसे प्रूफ होगा, सबसे छोटा प्रूफ यही है, ठीक है। यहाँ तक हमने किया था हैमिल्टन में, वो उसमें किया था सेकेंड वाले मैथ फैराडेज लॉ से, और ये उससे भी आसान है। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं करवाने जा रहा हूँ, एनसीईआरटी के अंदर बहुत आने की प्रोबेबिलिटी है, और वैसे भी आते हैं। तो क्या टॉपिक है, इसी के अंदर अगर वो पूछे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें आर है इसकी लूप की, तो बोलो इंड्यूस करंट क्या होगा, तो इंड्यूस करंट क्या होगा, बी एल वी बाय आर, ये भी क्लियर है। तो इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एल वी बाय आर, ठीक। नेक्स्ट वो ये पूछेगा कि ठीक है इसमें इंड्यूस करंट हुआ, बताओ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है, तब क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, कैसे, रॉड के ऊपर, यहाँ मत लगाना, यहाँ लगाएं जो मूव कर रही है रॉड उस पर लगेगा, कैसे, बी बोर्ड के अंदर है, थंब लेफ्ट है, तो करंट कहाँ होगा, नीचे, बी बोर्ड के अंदर है, थंब मोशन ऑफ कंडक्टर है, करंट नीचे, तो करंट कैसे होगा, नीचे ऐसे, तो यानी कि इस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट मूव करेगा, ये भी क्लियर है यहाँ तक, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्लियर है। फिर वो ये पूछेगा, करंट भी आ गया, वो ये पूछेगा कि इसके अंदर करंट कैरिंग वायर इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इट विल जनरेट अ फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, थर्ड चैप्टर आ गया पिछले वाला, फोर्स की डायरेक्शन और वैल्यू बोलो क्या होगी, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ रॉड इज बी आई एल साइन 90, एक आंसर। और फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ रॉड में फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए, लेफ्ट हैंड रूल फोर्स निकालने के लिए, तो बी बोर्ड के अंदर है, करंट नीचे है, फोर्स कहाँ लगेगी, राइट, तो यहाँ पर फोर्स कहाँ लगेगी, राइट, मैग्नेटिक फोर्स राइट, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो फोर्स राइट लगेगी। अब वैसे भी सही है, रॉड को आप जबरदस्ती कहाँ लेके जा रहे हो, इस तरफ, रॉड का फ्लक्स क्या हो रहा है, कम, रॉड कहती है ऐसे कैसे ले जाओगे, करंट पैदा करूंगी और इधर जाने की कोशिश करूंगी, करंट ऐसे पैदा करती है कि इसके ऊपर फोर्स कैसे लग रही है, इस तरफ, आपके डायरेक्शन के ऑपोजिट, ठीक है। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कैसे लग रही है, फोर्स की जो वैल्यू है सॉरी वो क्या लग रही है, बी आई एल, लेकिन आई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बी एल वी बाय आर इंटू एल, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर। फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो प्लीज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ रॉड का फॉर्मूला बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर।
ओके यहाँ तक क्लियर है, फोर्स आ गई, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा, फोर्स आ गई ना, तो आपको इसमें कितनी पावर लगानी पड़ी इस रॉड को आगे धक्का मारने के लिए, क्योंकि ये फोर्स आपको पीछे धक्का मार रही है, लेकिन आपको तो रॉड को आगे लेके जाना पड़ेगा। तो पावर अप्लाइड या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी आपको पावर लगानी पड़ेगी ताकि ये रॉड आगे जाए। अब फोर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर इंटू वी, वी का मतलब वी का स्क्वायर। तो पावर का फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो प्लीज, फॉर्मूला बुकलेट में एक्सटर्नल पावर आपको इतनी लगानी पड़ेगी रॉड को पुश करने के लिए, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है यहाँ तक, तो ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट है, इसी के अंदर वो ये पूछेगा कि बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड एज हीट। तो रॉड में हीट जनरेशन क्या होगा, तो आप लिखेंगे पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज आई स्क्वायर आर। तो आई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, बी एल वी बाय आर का स्क्वायर इंटू आर, यानी कि बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर आर कैंसल आर, सेम आंसर है। देखो पावर अप्लाइड और पावर हीट की फॉर्म में एग्जैक्टली सेम आंसर है।